शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के लिए एक किया जाने वाला सिद्ध आसन जिसका नाम है सिद्धासन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिद्धासन लगाया कैसे जाता है, उसके फायदों के बारे में, इन सिद्धासन लगाते टाइम आपको कौन सी सावधानियां रखनी है। सिद्धासन लगाने के लिए आप सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आगे कर ले, उसके बाद आपका जो बायां पैर है, आपका जो लेफ्ट पैर है, उसको आपको यहाँ पे टच करवाना है इस तरह से। मीन्स आपका जो लेफ्ट पैर होगा वो आपका टच करेगा गुदा द्वार पे। जो आपका राइट पैर है, जैसे आपका जो दायां वाला पैर है, उसको आपको उसके ऊपर इस तरह से रखना है, उसको आपको टच करवाना है अपने प्रजनन तंत्र पे। मीन्स लेफ्ट जो आपका पैर रहेगा वो आएगा आपके गुदा मार्ग पे, और जो आपका राइट पैर रहेगा वो आएगा आपका प्रजनन तंत्र पे। और दोनों पैर की जो एरिया है वो आपके गुदा मार्ग पे एंड आपके प्रजनन तंत्र पे टच होनी चाहिए। और आपके दोनों पैर की जो उंगलियाँ हैं वो इस तरह से अंदर की साइड दबी होनी चाहिए। और आपके जो बाएं पैर की एड़ी होगी उसके एग्जैक्टली ऊपर ही आपके दाएं पैर की भी एड़ी इस तरह से आपको प्लेस करनी है, आपको इस तरह से रखनी है। इस तरह से बैठने के बाद आप अपने हाथों को इस तरह से रख सकते हो या फिर आप कोई भी मुद्रा लगा के भी बैठ सकते हो। आपको जो भी मुद्रा कंफर्टेबल फील हो उस तरह से मुद्रा को लगा के अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, अपनी गर्दन को सीधा कर ले और शोल्डर को इस तरह से टाइट करके आंखें बंद करके आपको इसको लगाना है। सिद्धासन को 1 मिनट से लेके 1 घंटे तक लगाया जा सकता है और डिपेंड है कि आप कितना इसके अंदर बैठ सकते हो। अब बात करते हैं कि सिद्धासन लगाने से आपको कौन से फायदे होंगे। सबसे पहला इसका फायदा आपके दिमाग के ऊपर, आपके दिमाग को शांत करता है। आपके दिमाग में जो नकारात्मक शक्ति है, आपके दिमाग के अंदर जो नकारात्मक विचार आते हैं उसको एक खत्म करता है और साथ ही आपकी बॉडी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा चंचल है, तो उसको शांत करता है, आपकी जो एकाग्र शक्ति है उसके बढ़ाने का काम करता है। सिद्धासन ध्यान लगाने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आसन है। अगर इसको आप ध्यान के टाइम लगाते हो तो आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है। अगर सिद्धासन को लगातार लगाया जाए तो चिंता, बेचैनी, अशांति जैसी प्रॉब्लम्स खत्म होती है। ये हमारे दिमाग को मजबूत बनाता है, दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और जो दिमाग की कार्य करने की क्षमता है उसके बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा सिद्धासन को लगाने से आपके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती है। सिद्धासन को लगाने से आपकी जो पाचन शक्ति उसको इम्प्रूव करता है, हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उसके शुद्ध करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर होने वाली कई सारी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। और इसका मेन इम्पैक्ट होता है हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर। आपके मूलाधार चक्र जिस आपके रूट चक्रों को एक्टिव करता है, अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि सिद्धासन लगाते टाइम आपको कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेगी। इसको आपको ओनली खाली पेटी करना होता है। इसके अलावा जिन लोगों को परेशानी घुटनों के दर्द की, कमर का दर्द या फिर आपकी कमर के नीचे कोई भी तरह की सर्जरी हुई तो उन लोगों को इसको करना अवॉइड करें। और जब भी आप सिद्धासन करें तो प्लेस स्वच्छ होना चाहिए, जो उसका वातावरण है वो क्लीन और शुद्ध होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।